अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, नींबू सान रहे हम लोग। पहाड़ आए और नींबू ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। पहाड़ में रहोगे तो नींबू खाओगे बोले। ये देख सकते हैं अच्छी खासी धूप आई है यहाँ पर, और नींबू के साथ साथ मूली भी डालेंगे उसमें। देख सकते हो मूली काट रहे हैं, और पीसा जाएगा नमक सिलबट्टे में। उसके बाद दिखाते हैं आपको। यार ये डोली एक साइड को जा रही थी कल शाम भी, अभी भी जा रही है। हेलो गाइस, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राधा गोस्वामी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अभी सुबह के बजे 8:30 और गर्मा गर्म चाय के साथ हमारी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है। हेलो ये देख सकते हैं कितने लंबे चौड़े हैं, देख सकते लंबाई कंधे तक भी नहीं पहुँच पा रही हूँ, इनकी लंबाई काफी ज्यादा है। और, ये हम और आप भी खड़े हो जाओगे इनके सामने। ये देखे नींबू कितने सुंदर लगे हैं यहाँ पर, कितने सारे नींबू लगे हैं। ये आमा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मम्मी लोग यहाँ पे कर रहे हैं अभी काम। यहाँ ताऊजी और अम्मा कर रही है यहाँ काम। यहाँ ताई भैंस को रोटी देने जा रही है, और यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ। और देखिए तो नींबू सन गया है, बांटा जा रहा है। देख स्कूल हुआ तुम दोनों, बाबू उनका लोग अब कौन खाएगा? चलो सब अम्मा लोग यहाँ पे बैठो, अम्मा आप यहाँ पे बैठो, सब अम्मा लोग को दिखाते हैं। मैं तो कम कर दे दो। अरे उनके लिए भी दो यार, संजीदा संजीदा के लिए कभी रखी थे इनमें लगी नहीं। हेलो, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, सब लोग बैठ रखे हैं। अम्मा मौसी और बहनी और दीदी कल को आएंगे, और हम पापा भी आ रहे हैं अभी वहाँ से, तो हम नीचे जाके दिखाते हैं। देवेश थक गया है, बोल रहा है अब मैं नहीं चल सकता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ बेटा? थक गए। अब थोड़ा सा ही है बेटा, अभी हमको जाना है वहाँ देख के, वहाँ पे जहाँ पे घर देख रहे ना वहाँ पे है रोड, तो हमको वहाँ पे जाना है भाई। और ना पहाड़ों में ना घास देखो ऐसे इकट्ठा करके रखते हैं सुखा के, और उसके बाद ना ठंडियों में इसको खिलाते हैं जानवर को, गर्मियों में काट के सुखा देते हैं पहाड़ों में। और गाजू भी कहते हैं यहाँ इसको कहीं कहीं। रास्ता ना बहुत ख़राब है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे भी रखी है घास। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं रोड पे, फुल आ गई है। तो हम लोग निकल चुके हैं, और ये तो जैसे ही हम जा रहे थे तो टायर हो गया हमारा पंचर, देख सकते हैं बहुत। तो हम लोग रुक गए हैं अभी, यहाँ पे कोई है भी नहीं, शायद किसी के घर में पंप लेने जाना पड़ेगा हमको। वापस क्यों घर जाएंगे? तो ये जा रहे हैं अभी पंप लेने, और हमारी गाड़ी का टायर हो गया पंचर, तो किसी के घर से लेके आएंगे अभी, और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। पंप लेके आ गए हैं, और मैं करती हूँ इनकी हेल्प। देवेश
पंचर वाल, पंचर वाल, पंचर वाल मिला लिया कहीं? अभी हमें पंचर वाला मिला नहीं है तो हमने देवी को बैठा दिया भैया के साथ। हमारी मुमकिन है वो भी होता हो गया। तो फाइनली दानाचूरी में पंचर वाले मिले तो सही, लेकिन भैया पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? तो आ गए हैं भैया, हम जैसे निकलने वाले थे तो भैया आ गए हैं। नंबर क्यों लिखा है यार इसमें? तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं दानाचूली और बड़ी मुश्किल से हमको लगभग वहां से 40 किलोमीटर आने के बाद यहां पे पंचर वाले मिले हैं और ये करा रहे हैं गाड़ी का पंचर सही। तो तब तक हम लोग ले आते हैं देवेश के लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि देवेश को लग गई है भूख। रुकने का टाइम तो है नहीं, तो हम लोग सीधे ही जाएंगे और मिलते हैं। और घर जाते जाते हमको हो गई देर, 7:30 बज गए थे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।